हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज के लेक्चर में हम आगे स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिन एंटी और ई जेड। हमारा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है उनके एग्जांपल्स हम आज देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि हमारे सिस ट्रांस कितने टाइप्स के हमारे बन सकते हैं। अलग अलग कंपाउंड में हमने देखे थे किस किस तरीके से हम सिस ट्रांस देख सकते हैं। रिंग में हमेशा ध्यान रखना कि कार्बन कार्बन जो है वो पास पास होना चाहिए, और अगर हम उसमें सिंपल चेन में देखते हैं तो वो डबल बॉन्ड के अराउंड कार्बन में देखते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो अगर सेम साइड आ गए, ऊपर ऊपर आ गए, अगर सेम ग्रुप दैट इज कॉल्ड सिस, और अपोजिट साइड आ गए दैट इज कॉल्ड ट्रांस। तो इस तरीके से आपको चीजें देखनी है। तो पिछले लेक्चर में हमने काफी कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में हमने देख लिया था। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन हमने कवर कर ली थी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बेसिकली होता क्या है। एक टाइप का स्टीरियो आइसोमर्स होता है जिसमें हम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस के वजह से हम अलग अलग आइसोमर्स को देख सकते हैं, और वो आइसोमर्स कहलाते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा सिन एंटी या ई जेड हमारा किस टाइप का होता। अगर हम बात करें ई एंड जेड आइसोमर्स के बारे में, तो ई जेड आइसोमर्स जो है, ई और जेड का पहले मतलब देखते हैं। ई का मतलब होता है एंटागन, क्या होता है एंटा गगन, एंड जूजमन, क्या होता है जूजमन, क्लियर। तो अब यहां पर देखो हम इसको मीनिंग निकालते हैं एंटा गगन की। एंटा गगन का मतलब समझ लो सिंपल एंटी, समझ में आ रही है, अपोजिट मतलब ट्रांस, ठीक है। तो एंटा मतलब एंटी सिम, जूजा जूजमन मतलब सेम, ठीक है, तो सेम साइड जो आने वाली है। तो इन दोनों की मीनिंग से हम समझ सकते हैं। अब यहां पर एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें चीजें समझनी है। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर Cl और यहाँ पर ले लिया H, और यहाँ पर हमने ले लिया Br और यहाँ पर हमने फ्लोरीन। अब यहाँ पर चारों जो ग्रुप है वो अलग अलग है, चारों ग्रुप जो है वो अलग अलग है। हम अब कैसे पहचाने, यहां पर काम करता है EZ, और इसी चीज को हम EZ बोल देते हैं। होता ये सिस ट्रांस ही है, होता ये सिन एंटी है। देखो सिंपल सी बात है, सिन सिन का मतलब होता है सिस, सिस, और इसको हम सिंपल जूजमन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं जूजमन, क्लियर जूजमन। अब इसमें देखो थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना। अब एंटी का मतलब, एंटी का मतलब क्या हो गया, ट्रांस, ट्रांस या फिर एंटागन मतलब ई, ई आइसोमर्स। तो यहां पर देखो अगर हम इन दोनों की बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन हमारा थोड़ा एटॉमिक मास के हिसाब से ज्यादा है। इसकी सेकंड प्रायोरिटी, यहां पर इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसकी सेकंड प्रायोरिटी। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सेम साइड आ गई तो इसको बोल देते हैं जूजमन मतलब जेड आइसोमर्स, क्लियर। इसको क्या बोलेंगे जेड आइसोमर। यहीं पर अगर इसका दूसरा आइसोमर बना है तो यहां पर एक क्लोरीन, यहां पर ये हाइड्रोजन, यहां पर ये फ्लोरीन आ गया, और यहां पर ये बीआर आ गया। प्रायोरिटी इसकी फर्स्ट थी, और इन दोनों में इसकी फर्स्ट है, इसकी सेकंड है, और इसकी सेकंड है। अब जब फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपोजिट साइड आ रही है, मतलब यहां पर स्टेरिक की बात करें तो फर्स्ट है मतलब इसका एटॉमिक साइज ज्यादा है। अगर एटॉमिक साइज दोनों तरफ ये बड़े बड़े हो गए तो यहां पर स्टेरिक क्रिएट होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, और इसकी वजह से ही हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है। इसीलिए इसको एंटागन और इसको जूजमन बोल देते हैं। ये हमारा क्या हो गया एंटागन हो गया, क्योंकि ये अपोजिट में आ गया, तो ये ई आइसोमर हो गया। क्या हो गया ये ई आइसोमर। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि एंटागन और जूजमन का मतलब क्या है। यहां पर हम देखेंगे कि अगर डिफरेंट टाइप के ग्रुप जुड़े हो, डिफरेंट टाइप के एटम जुड़े हो अमंग कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, देन बी प्रियोर ऑफ फर्स्ट और सेकंड। इफ फर्स्ट कम्स ऑन द सेम फेस साइड दैट इज कॉल्ड जूजमन, इफ इट कम्स इन अपोजिट साइड एट 180 अप्रोक्स तो इट इज कॉल्ड एंटागन, ठीक है एंटागन, क्लियर। तो इस तरीके से हम चीजें समझ सकते हैं। अब देखो यहां पर और भी एग्जांपल अगर आपको देखने हैं तो एक एग्जांपल हम और देखते हैं। ये आपके बेसिकली सिलेबस में है नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन हमारे अलग दे दिए जाते हैं, ठीक है, तो CH3 हो गया, क्लियर। और यहां पर हम बात कर लें किसकी, हम बात कर लें फ्लोरीन की, ठीक है। तो अब देखो फ्लोरीन का जो साइज, अगर मास की बात करें, ठीक है, या ब्रोमीन ले लो, क्या ले लो ब्रोमीन ले लो, ठीक है। तो यहां पे इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, इसकी सेकंड प्रायोरिटी होगी, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसकी सेकंड प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी अपोजिट साइड तो हमारे हो गया, एंटागन हो गया, ई आइसोमर हो गया। यही चीज अगर हम इसकी बात कर ले, यहां पर हमारा OH है ये, है ना OH, यहां पर H, यहां पर Br आ गया,
और यहां पर ये CH3 आ गया, और यहां पर इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, इसकी सेकंड थी, इसकी फर्स्ट थी, इसकी सेकंड थी, और फर्स्ट प्रायोरिटी सेम साइड, दैट इज कॉल्ड ज़ूज़ामर, मतलब जेड आइसोमर्स। क्लियर हो गई बात कि नहीं? फटाफट आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे सिन एंटी, सिन एंटी आइसोमर्स हमारे क्या होते हैं। क्लियर, सिन एंटी आइसोमर्स में हम देखेंगे, सिन एंटी आइसोमर्स हम कैसे पता करेंगे, हमने सिन का मतलब आपको बताया था कि इसका मतलब होता है सिस। ठीक है, तो सिंपल इसको अलग अलग फॉर्म में इसलिए दे दी गई क्योंकि अलग अलग कंपाउंड के हम देखते हैं। ठीक है, अलग अलग नेचर हम देख रहे हैं। अगर हम बात करें यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के अराउंड, कार्बन और नाइट्रोजन के अराउंड, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के अराउंड, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं सिन एंटी की। बस ये देखो, कार्बन कार्बन में हम सिस ट्रांस देखते हैं, कार्बन नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आ गया, तो इसके अराउंड हम देख लेते हैं किसको, सिन एंटी को। क्लियर, अब यहां पर हम बात करेंगे नाइट्रोजन का, ये लोन पेयर है, यहां पर हमने फिनाइल रिंग ले ली। फिनाइल का मतलब समझ रहे हो, एक बेंजीन से, मतलब C6H5 होता है, बेंजीन से हाइड्रोजन निकाल दो, ठीक है, इसको फिनाइल बोलते हैं। यहां पर ये फिनाइल हो गया, ठीक है, और यहां पर जैसे हमने हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर सिंपल की बात, सिंपल से देखते हैं, ये हमारा, ठीक है, यहां पर ये हमारा क्या हो गया, लोन पेयर है, यहां पर ये फिनाइल है, और यहां पर ये फिनाइल है, और यहां पर ये हाइड्रोजन है। अब ये फिनाइल रिंग जो है वो सेम साइड हो गई, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिन हो गया, सिन आइसोमर, और ये अपोजिट साइड हो गई, तो इसको बोलते हैं एंटी आइसोमर। और एंटी इज मोर स्टेबल देन सिन, क्योंकि एंटी ये बड़ी बड़ी बेंजीन रिंग है, और ये हमारी जब अपोजिट में आ जाएंगी तो हमारी क्या हो जाएगी, ये ट्रांस हो जाएगी, मतलब एंटी हो जाएगी, और सेम साइड आ गई, तो दैट इज कॉल्ड सिन। क्लियर, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत इजी तरीके से। क्लियर, फटाफट आप नोट कर सकते हो। यही चीज अब देखना, यही चीज अगर मैंने नाइट्रोजन के अराउंड कर दी, नाइट्रोजन के अराउंड ऐसे, नाइट्रोजन के अराउंड कर दी, तो भी सेम रहेगा, है ना, तो भी सेम रहेगा, तो ये हमारा एंटी हो गया, ये सिन हो गया, तो दोनों के अराउंड हम देख सकते हैं सिन और एंटी में। क्लियर हुई बात करनी, तो फटाफट आप नोट कर सकते हो। तो ये हमारे थे सारे के सारे हमारे क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो एजेड आइसोमर्स, सिस्ट्रांस आइसोमर, और सिन एंटी आइसोमर्स। ठीक है, अब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है अपने सिलेबस में है नहीं, इसको हम देखेंगे आखिरी में, तो पहले हम देखते हैं इसके बाद कंफर्मेशनल आइसोमर्स। फटाफट इसको नोट करो, फिर हम कंफर्म, यहां पर हम देखेंगे आप कंफर्मेशनल आइसोमर्स। कंफर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर सिंगल बॉन्ड होगा, और यहां पर जब हम एक कार्बन रोटेट कर देंगे, एक कार्बन हम फिक्स रखेंगे, तो ये रोटेशन की वजह से अलग अलग अरेंजमेंट हमको मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड, जो बनाएंगे, जो अरेंजमेंट कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंफर्मर्स, उसको हम बोलते हैं क्या, कंफर्मर्स। और हम रोटेशन करके बना रहे हैं, तो इसको हम दूसरा नाम रोटामर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोटामर्स। बस एक कार्बन आपको अलग अलग मोड़ना है। ठीक है, अगर हम सिंपल सी बात कर लें कि ये हमारा कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है इसका। ठीक है, तो यहां पर ये कार्बन इसको रोटेट करते जाएंगे, ये कार्बन को फिक्स रखेंगे, तो अलग अलग जो अरेंजमेंट हमें दिखेंगे, दैट इज कॉल्ड कंफर्मर्स, और इस आइसोमर्स जो अलग अलग बनेंगे, दैट इज कॉल्ड कंफर्मेशनल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, कंफर्मेशनल आइसोमर्स। यहां पर देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, आइसोमर्स फॉर्म्ड बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशंस, इट विल गिव्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट विच इज कॉल्ड कंफर्मर्स, ठीक है, या फिर रोटामर्स, और रोटामर्स इस तरीके से हम चीजें यहां पर देखेंगे, और ये इस टाइप का अरेंजमेंट आप बना सकते हो कि इस तरीके से हमें चीजें देखनी है। अब यहां पर जो प्रोजेक्शन है कि हम किस तरीके से इन ये रोटेशन को हम प्रोजेक्ट करें, तो दो टाइप के यहां पर हमें प्रोजेक्शन से देखना होगा अपने सिलेबस में, तो इसको पहले नोट करो, फिर हम प्रोजेक्शन पे जाते हैं, कि प्रोजेक्शन पे जाते हैं, फिर हम प्रोजेक्शन के थ्रू हम देखेंगे कितने टाइप के हमारे कंफर्मेशनल आइसोमर्स बनते हैं, क्योंकि यहां पर प्रोजेक्शन जरूरी होता है कि हम प्रोजेक्ट कैसे करें किसी चीज को। अगर हम कंफर्मेशनल आइसोमर्स बना रहे हैं, तो प्रोजेक्शन कैसे करें, इसको कैसे दिखाएं, तो दो टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं जिसके बेसिस पे हम दिखा सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोजेक्शंस, तो प्रोजेक्शंस जो हमारे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, हमें जो अपने सिलेबस में बेसिकली देखना है। तो पहला है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखाया था अपने तरीके से। और दूसरा है सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, दूसरा क्या है, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। और दोनों जो हमने अभी आपको प्रोजेक्शन दिखाया, वो आप देख सकते हो कि वो कौन सा प्रोजेक्शन है इन दोनों में से।
न्यूमैन प्रोजेक्शन बेसिकली क्या बताता है, यहां पर देखो जरा, न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो ये डॉट है, डॉट बताता है आगे वाले कार्बन को, डॉट इंडिकेटेड फ्रंट कार्बन, ठीक है, फ्रंट कार्बन को बताता है, ठीक है। और अगर हम सर्किल की बात करें तो सर्किल इंडिकेटेड बैक कार्बन, ठीक है, बैक कार्बन को बताता है, क्लियर है बात करें। तो यहां पर देख सकते हो, तो यहां पर अगर हम सर्किल से इंडिकेट करें तो ये बैक कार्बन हो गया, क्लियर। अब यहां पर ये कार्बन है हमारा, ठीक है, ये क्या है, कार्बन, तो यहां पर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस तरीके से, क्लियर। और यहां पर बैक कार्बन में यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्लियर, समझ में आ रही बात करें, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहां पर हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है। और यहां पर ये देखना है, ये तो आपको अलग अलग मैंने हाइड्रोजन दिखा दिए, जस्ट इस हाइड्रोजन के पीछे, ब्लू वाले हाइड्रोजन के पीछे, जस्ट पीछे व्हाइट हाइड्रोजन है ना, एक ही हाइड्रोजन है लेकिन हमने अलग अलग कलर से चौक से बता दिया ताकि आपको क्लियर हो सके। तो जस्ट एक के पीछे एक है, एक के पीछे एक है ना, एक के पीछे एक, क्लियर। तो जब एक के पीछे एक है, इसको क्या बोलते हैं, इसने इसको छुपा लिया, ये तो हम दिखा रहे हैं अभी, लेकिन ये छुपा हुआ है, पीछे वाला मैं दिख नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये इक्लिप्स्ड हो चुका। तो इस जो ये प्रोजेक्शन है, इसको तो हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बोल देंगे, लेकिन ये आइसोमर बना है, ये जो आइसोमर बना है, इसको बोल देते हैं इक्लिप्स्ड आइसोमर, क्या बोल देते हैं, इक्लिप्स्ड आइसोमर, जो कि न्यूमैन ने अपने प्रोजेक्शन से दिखाया है। इसको इक्लिप्स्ड मतलब एक के पीछे एक, ग्रहण लग गया इस हाइड्रोजन के पीछे, पीछे वाला हाइड्रोजन, इसको हम दिखा रहे हैं ताकि आपको शो हो जाए। इसी तरीके से अगर इसको हम घुमा दें 60 डिग्री पे, आगे वाले कार्बन को हम घुमाएंगे, पीछे वाला कार्बन हमारा एज इट इज रहेगा, तो पीछे वाला कार्बन हमारा एज इट इज रहा, हाइड्रोजन यही था पीछे वाले का तो यही लिख दिया, और यहां था तो यहां लिख दिया इस हाइड्रोजन को, और यहां था इसका तो ये हाइड्रोजन यहां पर लिख दिया, क्लियर। अब जो पीछे वाला, जो आगे वाला कार्बन है, इसको हमने पकड़ के घुमा दिया कितना, 60 डिग्री, तो ये रोटेट हो गया 60, इसको घुमा दो जरा, तो ये हाइड्रोजन यहां आ गया, क्योंकि पूरा तो 120 है, तो इसके बीच में आ जाएगा, यहां पर ये हमारा, ये वाला यहां आ गया, तो ये यहां आ गया, ये वाला हाइड्रोजन यहां आ जाएगा बीच में, तो ये हमारा पूरा है ना, यहां से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो यहां पर ये हाइड्रोजन आ गया, क्लियर, समझ में आ रही बात क्यों, तो ये कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये 60 हो गया। ये आपस में जो आइसोमर बनाया है, ये तो है तो न्यूमैन प्रोजेक्शन ही है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन ही, लेकिन न्यूमैन प्रोजेक्शन से जो आइसोमर बना है, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड आइसोमर, क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड आइसोमर, बोलो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। तो यहां पर जो ये एंगल है, ये एंगल दैट इज कॉल्ड, ये जो एंगल है, इसको अलग चौक से बता देते हैं, तो ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल, क्या कहलाते हैं इसको, डाइहेड्रल एंगल, क्लियर हो रही बात कि नहीं, बोलो इतनी बात समझ में आई, इसको क्या बोल देंगे हम, डाइहेड्रल एंगल, इसको फटाफट नोट कर सकते हो, और एंगल ऑफ टॉर्शन भी बोलते हो, एंगल ऑफ टॉर्शन और टॉर्शनल एंगल भी बोल सकते हो, क्लियर, और टॉर्शनल एंगल भी बोल सकते हो, क्लियर, एंगल ऑफ टॉर्शन या डाइहेड्रल एंगल, ठीक है, बस ये याद रखना, डाइहेड्रल एंगल पीछे वाले हाइड्रोजन से आगे वाले हाइड्रोजन के बीच का एंगल है, क्लियर, ये हाइड्रोजन का और ये हाइड्रोजन का, ये तो प्लेनर एंगल है, एक ही प्लेन में हमारा लमसम आ जाएगा, तो ये प्लेनर एंगल है, लेकिन ये वाला एंगल जो आगे वाला पीछे वाला है, दैट इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल, क्या बोलते हैं इसको, डाइहेड्रल एंगल, इसको नोट कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। और आगे हम बढ़ते हैं, अब देखो जो सॉहर्स ने बताया, ये तो न्यूमैन का आप बना सकते हो, सॉहर्स का जरा देखना, सॉहर्स का क्या है बेसिकली, सॉहर्स का प्रोजेक्शन क्या है, और फिर हम आपस में फिर देखेंगे। देखो सॉहर्स का प्रोजेक्शन कैसा है, सॉहर्स कुछ इस तरीके से बनाता है, सॉहर्स की बात करते हैं, तो ये आगे वाला कार्बन और ये पीछे वाला कार्बन है ना, जो हमने आपको अभी बताया था, ठीक है, तो यहां पर ये कार्बन हमारा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है, जस्ट ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। अब देखना, अगर हम यहां से देखें तो इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन है, तो ये जो सॉहर्स का है, ये सॉहर्स का इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन बन गया, क्या बन गया, इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन या इक्लिप्स्ड कंफर्मेशनल आइसोमर हो गया। यहीं पर अगर मैं, हमने बोला था आगे वाले को हम रोटेट कर रहे थे, किसको, आगे वाले को, तो यहां पर जरा आगे वाले को जब हम रोटेट करेंगे, यहां पर देख लो, तो
आगे वाले को हम रोटेट करेंगे, ठीक है, आगे वाले को रोटेट करेंगे, पीछे वाला हमारा सेम रहेगा, ऐसे ऐसे ही तो है पीछे वाला, तो इसको तो सेम रखो। आगे वाले को हमने 60 रोटेट कर दिया, कितना 60, इसको रोटेट कर दिया हमने 60, इस कार्बन को हमने रोटेट कर दिया 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, क्लियर। तो हम 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इन दोनों के बीच में आ जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं, बोलो वाई बन जाएगा, क्या बन जाएंगे वाई। तो अब देखो इन दोनों के बीच में यह हाइड्रोजन आ रहा है, इन दोनों के बीच में यह हाइड्रोजन आ रहा है, इन दोनों के बीच में यह हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये आपस में क्या हो गया स्टैगर्ड, क्या हो गया ये जो जैसे हमने अभी बनाया था, तो स्टैगर्ड हो गया आइसोमर, क्या हो गया स्टैगर्ड आइसोमर्स। बोलो इतनी बात समझ में आई। तो न्यूमैन और सोहॉस जो है प्रोजेक्शन वो इस तरीके से हमारे आइसोमर्स को बताता है, इस तरीके से कंफर्मेशनल आइसोमर्स को बताता है, इस तरीके से रोटामर्स को बताता है, इस तरीके से कंफर्मर्स को बताता है, ठीक है। तो ये फटाफट आप नोट कर सकते हो कि सोहॉस का प्रोजेक्शन हमारा क्या है और इक्लिप्स्ड का जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में तो हम अगर ये तो 60 डिग्री पे आ गया, अब इन दोनों के बीच में जो भी आइसोमर्स बनते हैं, जैसे 20 डिग्री पे आ गया, 30 डिग्री पे आ गया, तो इसको हम गौचे बोल देते हैं, इस्क्यू बोल देते हैं, इस्क्यू आइसोमर्स, क्या बोल देते हैं इस्क्यू आइसोमर्स, क्लियर, क्या बोल देंगे इस्क्यू कंफर्मर्स, क्लियर, क्या बोल देंगे इस्क्यू कंफर्मर्स। तो इसको फटाफट आप नोट कर सकते हो, अभी हम सारा चीज बताएंगे डिटेल में, इसको नोट करो बस। अब यहां पर अगर हम देखते हैं कोई मॉलिक्यूल के अराउंड की कंफर्मर्स हमें कितने टाइप की बनाने होते हैं, तो यहां पर हम सिंपल सा देखते हैं, सिंपल सा मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड ईथेन, ठीक है। तो ईथेन के हम देखते हैं कितने टाइप्स के कंफर्मर्स बनते हैं और क्या क्या अरेंजमेंट होते हैं इनके, तो हम न्यूमैन प्रोजेक्शन से ही देखते हैं, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन से हम चीजें यहां पर देखते हैं। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन से हम इथेन के अलग अलग कंफर्मेशंस निकालेंगे, क्लियर, अलग अलग कंफर्मेशन निकालेंगे। देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं न्यूमैन की, तो हमारा कुछ इस तरीके से रहता है और ये हमारा सर्किल पीछे वाला कार्बन को बताता है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि हमारा ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां पर एक बात याद रखना, जब हमें पता चले कि हाइड्रोजन आगे वाला है पीछे वाला है, तो याद रखना ये कार्बन से जुड़ा हो तो आगे वाला है, ठीक है। और यहीं पर अगर ये पीछे वाले से जुड़ा हो, ठीक है, पीछे वाले से जुड़ा हो, दैट इज कॉल्ड कि ये बैक वाला है, क्लियर हो रही बात कि नहीं, बोले इतनी बात समझ में आई। तो ये इस तरीके से आपको देखना है, समझ में आ रही बात कि नहीं, इसके पीछे और ये इसके पीछे, क्लियर। तो ये आपस में क्या हो गए, ये आपस में क्या हो गए, ये कौन सा आइसोमर हो गया इक्लिप्स्ड, कौन सा हो गया इक्लिप्स्ड हो गया ये, क्लियर, समझ में आ रही बात कि नहीं। इसको अगर हम थोड़ा सा थीटा एंगल हम घुमा दें, थीटा एंगल थोड़ा सा हम घुमा दें, क्लियर, तो पीछे वाला कार्बन तो हाइड्रोजन हमारा सेम रहेगा ऐसे, ठीक है, ये हमारा सेम रहेगा, क्लियर। हमने आगे वाले कार्बन को घुमाया, आगे वाले कार्बन को, तो कोई भी एंगल से हमने घुमा दिया, ठीक है, हमने मान लिया कोई भी एंगल से इसको हमने घुमा दिया, क्लियर, समझ में आ रही बात कि नहीं। तो ये हमारा कोई थीटा एंगल है, कौन सा एंगल है थीटा एंगल, थीटा एंगल, अगर थीटा एंगल पे है हमारा, थीटा डायहेड्रल एंगल है, यहां पर देखो थीटा एंगल कितना है, कितना हमारा जीरो, जीरो डिग्री, ठीक है, जो डायहेड्रल एंगल है, क्लियर, डायहेड्रल एंगल जो है वो हमारा क्या है, बोलो जीरो, और डायहेड्रल एंगल जो है वो हमारा थीटा, डायहेड्रल एंगल क्या है थीटा, क्लियर, यहां पर थीटा है। अब डायहेड्रल एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री हमने ले लिया, क्या ले लिया 60 डिग्री, तो ये तो हमारा सेम है हाइड्रोजन हमारा, ये सेम हाइड्रोजन हमारा, ये सेम और ये हाइड्रोजन हमारा सेम, बोले इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है, लेकिन ये हमारा 60 पे हो गया बिल्कुल एग्जैक्ट, क्लियर, इन दोनों के बीच का। अब जब ये डायहेड्रल एंगल जो है, ये जो थीटा है दैट इज 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री, क्लियर, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको क्या बोलेंगे हम स्टैगर्ड, हमने जो कि देखा था स्टैगर्ड। लेकिन अगर 0 डिग्री और 60 डिग्री के कोई भी बीच का जो अरेंजमेंट आ रहा है डेटा,
इसको हमने क्या बताया था लास्ट में, स्क्यू आइसोमर्स, क्या बोलते हैं, स्क्यू आइसोमर्स। अब हम इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इन तीनों आइसोमर्स में स्टेबल आइसोमर्स कौन सा है, स्टेबल कंफर्मर्स कौन सा है, स्टेबल कंफर्मर्स। तो स्टेबल कंफर्मर्स की बात करें यहां पर, ये पहला हो गया हमारा इक्लिप्स, ये दूसरा हो गया स्क्यू, और तीसरा हो गया ये हमारा स्टैगर्ड। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल है, क्योंकि ये दूर दूर है, यहां स्टेरिक कम है, तो सबसे ज्यादा जो होगा वो स्टैगर्ड स्टेबल होगा, कौन सा, स्टैगर्ड। फिर इसके बाद स्क्यू होगा, कौन सा, स्क्यू, क्लियर। फिर इसके बाद इक्लिप्स होगा, क्योंकि इक्लिप्स में यहां पर रिपल्शन क्रिएट हो सकता है, यहां रिस्ट्रिक्टेड थोड़ा सा एंट्रेंस हो सकता है, तो इसके के बाद हमारे क्या हो गया, इक्लिप्स, क्लियर हो रही बात की नहीं। तो इस तरीके से आप ये नोट कर सकते हो, ये हमारा ऑर्डर रहेगा सिंपल इथेन के मॉलिक्यूल में, जो न्यूमैन प्रोजेक्शन से हमने अलग अलग इसमें कन्फर्मर्स देखे हैं। बोलो बात समझ में आई। अब यही कन्फर्मर्स अगर हम बात कर लें ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में, किसमें बात कर लें, ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में, तो ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में जरा और देखें, ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में थोड़ा और देख लें, देखो जरा यहां पर देखो ना, आपको देखना है कि ये CH3, ठीक है, ये CH2, यहां पर ये CH2 और यहां पर ये CH3। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर दो तो हाइड्रोजन है और एक एल्किल ग्रुप है, दो हाइड्रोजन है एक एल्किल, हमें केवल इन दोनों के पहला और दूसरे कार्बन में हम देखेंगे, सॉरी ये तीसरा और सॉरी दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा कार्बन में हम देखेंगे, समझ में आ रही बात कि नहीं। हमें जो देखना है अरेंजमेंट, वो देखना है दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन, कह रहा हूं। अब यहां पर हम बनाते हैं पूरा स्ट्रक्चर, तो यहां पर ये हमारा फ्रंट कार्बन, ये हमारा बैक कार्बन, ठीक है। तो फ्रंट कार्बन में जरा देखना, फ्रंट कार्बन में हमारा जैसे ये हाइड्रोजन बना, ये हाइड्रोजन बना और ये हाइड्रोजन बना, ठीक है। बैक वाले कार्बन में जरा देखना, ये हाइड्रोजन बना, ठीक है, ये हाइड्रोजन बना, ठीक है, और ये हाइड्रोजन बना, क्लियर, ये बैक वाला है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, इक्लिप्स्ड हो गया, क्या हो गया ये, इक्लिप्स्ड। अब जरा देखना कि क्या है, हाइड्रोजन है, इथेन मॉलिक्यूल देखने, यहां पर क्या आ रहा है, सी एच थ्री सी एच थ्री, तो यहां पर हमने ले लिया सी एच थ्री ले लिया, तो ये तो हमारा सी एच थ्री था और यहां पर ये हमारा क्या है, सी एच थ्री, है ना। तभी तो दो कार्बन ये है, एक ये, एक ये और दो कार्बन ये, तो तभी तो ब्यूटेन का बना। तो ये आपस में क्या हो गया, इक्लिप्स्ड हो गया, क्या हो गया, इक्लिप्स्ड हो गया। यहीं पर अगर मैं बात कर लूं इसकी, ये हमारा फ्रंट कार्बन और ये हमारा बैक कार्बन, ठीक है, ये हमारा फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन। अब यहां पर ये तो सी एच थ्री है, तो बैक है, ठीक है, ये हमारा बैक है, ये हमें रोटेट करना नहीं है, हमें फ्रंट पे काम करना है, एक एक को पकड़ना है, बस एक को पकड़ लोगे तो बन जाएगा। अब यहां पर हमने कोई भी, जैसे हमने यहां पर रख दिया ये सी एच थ्री कर दिया, 60 डिग्री हमने घुमा दिया, कितना 60 डिग्री घुमा दिया हमने, क्लियर, 60 डिग्री घुमा दिया, क्लियर। तो ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, क्लियर, और ये यहां आ गया। अब यहां पर देखना, ये कंप्लीटली इक्लिप्स्ड है, कंप्लीट इक्लिप्स्ड, कंप्लीट इक्लिप्स्ड, कंप्लीट मतलब सी एच थ्री के पीछे सी एच थ्री, एच के पीछे एच, एच के पीछे एच। यहां पर देखना, हमने ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा, इसको क्या बोलेंगे, अभी हम नाम नहीं दे रहे, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ इस तरीके से हो गया, और इस सी एच थ्री को फिर से हमने 60 डिग्री घुमाया, ये तो हमारा सी एच थ्री हो गया, आगे वाले कार्बन को फिर से हमने कितना घुमा दिया, 60 डिग्री घुमा दिया। तो जब 60 डिग्री घुमा देंगे तो यहां पर ये सी एच थ्री आ जाएगा और यहां वाला एच यहां पहुंच जाएगा और यहां वाला एच यहां पहुंच जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहां पर जो ये इक्लिप्स्ड हो गया, ये हो गया पार्शियली इक्लिप्स्ड, कौन सा इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर, बोलो इतनी बात समझ में आई। ये हमारा स्टैगर्ड बोल सकते हो और या फिर इसको गौचे बोल सकते हो, दूसरा इसका नाम है गौचे, सही नाम इसको गौचे बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट स्टैगर्ड नहीं है, कंप्लीट स्टैगर्ड आएगा इसको कंप्लीट बोलेंगे, मतलब सी एस थ्री के अपोजिट में सी एस थ्री, यहां भी अभी रिपल्शन है, ठीक है। अब यहां पर और बनाते हैं, और बनाते हैं, जरा ध्यान से देखना, ठीक है,
हमने इसको फिर से 60 डिग्री यहां पर घुमाया था, ठीक है, हमने यहां पर बना रहे 60 डिग्री हमने और घुमा दिया, तो यहां पर ये हमारा फ्रंट कार्बन, ये हमारा बैक कार्बन। अब फ्रंट कार्बन जो बैक कार्बन है वो तो CH3 है पीछे, यहां पर H है और यहां पर ये H है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही। इसको फिर से 60 डिग्री घुमा दिया तो ये तो हमारा 60 यहां आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यहां पर ये हमारा ये H यहां आ गया, बोलो, और ये H यहां आ गया। अब देखो यहां पर ये हमारा CH3 अपोजिट में CH3, इसको बोलेंगे फुल्ली स्टैगर्ड। क्या बोल देंगे? फुल्ली स्टैगर्ड या स्टैगर्ड, ठीक है, या स्टैगर्ड। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब यहीं पर फिर से हमने CH3 घुमा दिया, ठीक है, इसको फिर से हमने CH3 घुमा दिया, 60 डिग्री हमने और घुमा दिया, ठीक है, 60 और घुमा दिया। ये डाइहेड्रल एंगल है, 60 हमने और घुमा दिया, तो ये हमारा फ्रंट कार्बन, ये हमारा बैक कार्बन। अब यहां पर देखो ये तो हमारा CH3 यहीं पर है, ये तो हमारा मूव हो नहीं रहा, ये H, ये H हमारा। बोलो इतनी बात समझ में आई। तो हमने इसको 60 घुमाया तो यहां पर ये CH3 आ गया, बोलो, और यहां पर ये H आ गया और यहां पर ये H आ गया, इसका H यहां पर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? पार्शियली इक्लिप्स्ड। फिर से पार्शियली इक्लिप्स्ड, बोलो, ये हमारा क्या हो गया? पार्शियली इक्लिप्स्ड हो गया। क्लियर हुई बात की नहीं? कितने आइसोमर बने? इसको 60 घुमाया ये बन गया, इसको ऐसे घूम गया ये ब्लू वाला, फिर से 60 घुमाया तो ये यहां आ गया। क्लियर? अब फिर से इसको 60 घुमाया ये वाला यहां आ गया CH3। अब फिर से इसको 60 घुमाया तो ये CH3 यहां पर आ गया, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड बन गया, बिल्कुल इस तरीके से पार्शियली इक्लिप्स्ड। याद रखना ये इस तरीके से आया, इसके बाद ये नहीं है, ये है पहले, ये ध्यान रखना। एरो हम बना दे रहे, ये एरो है ये, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है ये, ठीक है, ये एरो जा रहा है, ठीक, और यहां से ये आ रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से आया। अब एक और बचा ताकि ये CH3 यहां पे आ जाए, तो यहां पर इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट कार्बन, ठीक है, ये हमारा बैक कार्बन, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा बैक कार्बन CH3 है, ये H आ रहा है और ये हमारा H आ रहा है, इतनी बात समझ में। लेकिन ये CH3 यहां आ गया बीच में, तो ये यहां आ गया CH3, बोलो, ये हमारा H यहां आ गया, ये वाला H यहां आ गया, ये वाला H यहां आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया? बोलो, ये चीज क्लियर हो रही होगी आपको? ये चीज क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? देखो दिख रहा है पूरा? अब देखना, अब यहां पर ये H आ गया, इसको क्या बोल देंगे? फिर से इसको क्या बोल देंगे? गौचे। क्या बोल देंगे? गौचे बोल देंगे। इसको 60 फिर से घुमा दिया था, इसको 60 कितना कर दिया था? फिर से घुमा दिया था। अब यहां पर देखो इक्लिप्स कितने बने? देखो एक तो हमारा कंप्लीट इक्लिप्स बना, ठीक है, ये हमारा क्या बना? कंप्लीट इक्लिप्स, ठीक है, और ये पहला गौचे, ठीक है, और ये दूसरा गौचे। क्लियर? समझ में आ रही बात की नहीं? फुली स्टैगर्ड एक बना और कंप्लीट इक्लिप्स एक बना, ठीक है, क्लियर हो रही बात की नहीं? और कंप्लीट इक्लिप्स फिर से यही आ जाएगा, इसको फिर से 60 घुमा देंगे तो यही आ जाएगा, फिर से ये बन गया। क्लियर? फिर से वही रोटेशन। अब पार्शियली इक्लिप्स हमारे कितने बने? एक ये और एक ये, तो दो गौचे बने, दो पार्शियली इक्लिप्स। अब यहां पर देखो कितने स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर, ये पहला स्ट्रक्चर वन, ठीक है, ये दूसरा स्ट्रक्चर टू, ठीक है, ये तीसरा स्ट्रक्चर तीन, ये चौथा स्ट्रक्चर, ये पांचवा स्ट्रक्चर और ये छठवां स्ट्रक्चर। अब छह स्ट्रक्चर बने हमारे ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में। कितने हैं? ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में क्या बने? छह स्ट्रक्चर। इसको नोट कर लो पहले फटाफट सही तरीके से, ठीक है। अब यहां पर हम अगर स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें, स्टेबल कौन है? स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल आ रहा है वो हमारा फुल्ली स्टैगर्ड आ रहा है, क्योंकि यहां पर कोई रिपल्शन नहीं है। तो जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? फोर्थ वाले के बाद सबसे ज्यादा जो स्टेबल आते हैं वो हमारे आ रहे हैं गौचे। कौन से आ रहे हैं? गौचे, मतलब जो हमारा सेकंड वाला है और कौन सा? सिक्स्थ वाला। तो सेकंड वाला नियर अबाउट इक्वल है सिक्स्थ वाले के। क्लियर? एक दो तीन, ये पार्शियली इक्लिप्स आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा इक्लिप्स है? पार्शियली इक्लिप्स हमारा आएगा। और एक दो तीन चार पांच छह,
तो पार्शियली इक्लिप्स में हमारे दो आ रहे हैं, कौन कौन से, थर्ड और फिफ्थ। तो थर्ड और फिफ्थ हमारे लगभग बराबर आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो जो बिल्कुल अनस्टेबल है, दैट इज कंप्लीटली इक्लिप्स, मतलब फर्स्ट, क्योंकि यहां पर रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, ये बल्कि ग्रुप है बहुत, ठीक है, तो यहां पर स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, तो ये नोट कर सकते हो ऑर्डर, ठीक है। सबसे ज्यादा इक्लिप्स हमारा कौन सा होगा, फुली स्टेगर्ड जो हमारा फोर्थ वाला है, देन सेकंड और सिक्स्थ सेम है गौचे गौचे, फिर हमारा थर्ड और फिफ्थ मतलब हमारा पार्शियली इक्लिप्स, थर्ड और फिफ्थ ये दोनों, ठीक है, और फिर हमारा फर्स्ट इज वेरी अनस्टेबल। तो इसको नोट कर लो ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है, नोट कर लो फटाफट।